हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लकी बिकम्स पुलिस ऑफिसर फॉर 48 आवर्स फ्रॉम द मूवी रेस गुर्रम। पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकता है अचानक से 48 आवर्स के लिए, और ऊपर से एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसको खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती, उसको हेड पे मारा भी हो कि उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, तो उसके बाद वो कैसे पुलिस ऑफिसर कैसे बना है ना, ये मुझे देखना है एग्जैक्टली ये हुआ कैसे मैजिक। So before I start, hello and I'm Monali Naik, welcome to my channel, देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। So let's go. अभी इसको उल्टा लटका दिया क्या, उसको मार के लाया वो वाला है शायद। बापरे, नाइस मीटिंग यू। ये क्या था? I'm Madhav Shiva Reddy. लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाना। Now call me मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। You are very lucky fellow यार। यही अगर गुंडा शिवा रेड्डी होता तो कब का तू मर चुका होता। गुंडागर्दी में क्या एक फटका मारा जान निकल जाती है, लेकिन 24 आवर्स में एक फैमिली फिनिश, 24 आवर्स में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश, 24 आवर्स में लीगली बनाया घर गोल, 24 आवर्स में ही तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई। यही होता है पावर का मजा मजा। दिस इज शिवा रेड्डीज पावर 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 गेम पावर 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 कहके अब तू मुझसे जुड़ गया है। रेस शुरू कर दी है तूने माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम। तू भी मेरी तरफ पागल है क्या? यस। तो चल दोनों रेस में दौड़ते हैं। तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा मुझे भी नहीं पता। बापरे, तुम्हारे लोगों को? लोगों की रोक के दिखा, मतलब फैमिली को। ये तो डेंजरस। बचा लो, उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है। संभाल कर शिवा रेड्डी। रेड्डी अंकल, अपने बेटे को संभालना, घर से कुछ हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। पावर मंत्री, सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना। ओह माय गॉड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना। मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा, इसे जिंदा रखना भगवान। इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा ये लग के। बारिश आ गई, संभल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी। बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लग था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डी। भाग साले भाग, वरना तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम घोड़ा अपनी हॉर्स पावर से मारेगा। छोटे भाई, बाप रे, ओह माय गॉड। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। बेवकूफ, उन लोगों को सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे ये क्या हो गया? ये अलग गाड़ी में क्या हो गया? चलाओ, उड़ा दे उन्हें। अरे कोई बचाओ। अब रुकने का नहीं। माय गॉड, the action. Oh my God! इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म।
ये पुलिस ऑफिसर कैसे है? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी यही सवाल था. हाँ ये सीट पे अटक गया था ना छोटे भाई. अरे बाप रे बाप. क्या था? Oh my God. Start बड़ी. On. शुरू करो. ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ मशीन लाओ. Okay. All right. करंट लगा साले. चार लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं नहीं दैट इज लवेरिया. ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ. अरे मेरे छोटे भाई ऐसा मत बोल. अरे डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर. तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया. भले ही इस राज्य को बेचना पड़े मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा. हेलो यू नो वी आर झकास मत कर बकवास. आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ दिस. बचना मुश्किल है. मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है. ओनली टू डेज. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो. हे भगवान. राजा चाहे बोलो. लड़कियाँ चाहिए, पब चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या, अरे क्या चाहिए बताओ. अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा जल्दी मर जाएगा. नहीं मरने दूंगा. आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा. तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा. बताओ ना राजा. हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर. सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. आगे बोलो. मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर. ऐसे बने ये पुलिस ऑफिसर. लेकिन दो दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ. कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा. तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. जब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है, इनकी दी हुई भीख है और दो दिन में ये मरने वाले हैं, ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे. इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना. बाकी पूरी फैमिली चाहती है क्या? बोलिए ना पापा. अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके एक दिन के आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था. मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था. और केरिया में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी मुराद पूरी कर दी सर. वो भी टीवी पर आया था. सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना. जैसे आपको भी तो बनाया. या अरे रिलैक्स राजा. क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा राजा ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ. छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना. राजा जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना. तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा. सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ. ये एक होम मिनिस्टर का वादा है. तुम दो दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो. बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून. ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है. सोच में, आपकी मर्जी हो या ना हो इस वेपन को यूज करना ही होगा. दो दिन के लिए एज अ पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा. एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो. फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर. अच्छा तो इसकी इतनी औकात नहीं है. अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम. ओके सर ओके. एनी डाउट? 48 आवर्स. तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो. माय गॉड. एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा. और कुछ चाहिए क्या सर? लकी सर, लकी पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर. कितनी सी बात. ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड. तुम्हारे ऑर्डर्स, अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो. दो दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो. राजा मैं तुम्हें बस दो दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ. सर एक बॉल फेंकने लगे सर. हाँ तो फेंक. 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे. मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर. यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो. अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा. पूजा स्टार्ट. हरे राम राम राम. इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं. अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? लेकर तो देखिए सर. जी जी सर. आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही. ओके तो इस तरीके से लकी बन गया पुलिस ऑफिसर 2 घंटे के लिए.
दो दिनों के लिए। तो अब ये गेम चेंज करेगा ना, इतने सारे पावर्स मिले हैं। लकी इज वेरी लकी यार, सच्ची में। कहाँ से किसकी कहाँ पे मदद की, क्या हो गया, वो आ गया आज उसकी मदद करने के लिए, ऑल दोस थिंग्स। नहीं तो रियल लाइफ में हम कितनी भी मदद करें बाद में लोग भूल जाते हैं। देखो लकी इज वेरी लकी, कुछ भी बोलो। तो उसकी जो एंट्री सीन थी, शायद ये पुलिस ऑफिसर एंट्री सीन पे मैंने बहुत पहले रिएक्ट किया था, बट एग्जैक्टली ये कैसे पुलिस ऑफिसर बना, क्या हुआ इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि मैंने पूरे सीन अभी सीक्वेंस में रिएक्ट किए, तो दैट्स द रीजन मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत तो भी एटलीस्ट मालूम है। तो अभी सारी चीजें समझ में आएगी, ओह ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ करके, तो अब पता चला मुझे कि ओके, तो ये है अभी रेड्डी का बदला लेने की तैयारी। और जितना पॉलिटिकल रेड्डी है उतना ही पॉलिटिकल वे में सोचने वाला है आलू अर्जुन। एंड आगे बहुत चीजें मेरे को लगता है एक्साइटिंग चीजें होगी आगे, बिकॉज ये कुछ अलग वे में है ना रिवेंज, डायरेक्ट वे में नहीं है, अलग वे में लिया जा रहा है रिवेंज। सो दैट्स द रीजन इसमें बड़ा मजा आया। तो देखो फैमिली में तो वैसे मारने वाला था, बापरे तब तो फुल ऑन आलू अर्जुन, ड्रिंक 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 करके एंट्री जो मारे ना, खतरनाक था, मजा है। तो ना मेरा रिएक्शन ऑन आलू अर्जुन बिकम्स पुलिस फॉर टू डेज फ्रॉम द मूवी रेस गुर्रम ऑफ आलू अर्जुन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मियालेस।